प्रीव्यू। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। देखिए, एक तो देश की स्थिति बड़ी खराब है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आज सैटरडे का दिन है, सब व्यापारी अपने घर में सो रहे हैं और ऐसे में नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, अपने सारे विभाग को ये कहे कि कम से कम जनता को त्रसित न करो, व्यापारियों को त्रसित न करो। ये काम सूचना देके अदर दिन भी हो सकता था। व्यापारी घर में सो रहा है, निकल नहीं सकता है, अपनी दुकान देख नहीं सकता है, उसके बाहर आप उसका सब तोड़ देते हैं, बोर्ड गिरा देते हैं, टीन शेड गिरा देते हैं। अरे ये सब सूचना देके कीजिए ना। एक तो गरीबी में मर रहा है, सब बिजनेस खत्म हो चुका है, व्यापारी किसी तरह अपने को स्टैंड होने की कोशिश कर रहा है, सरकार उसमें सहयोग करे व्यापारी का कि व्यापारी खड़ा हो सके। ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं वहां पहुंचा, वहां के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जी का फोन आया मेरे पास। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि नहीं, नगर निगम वाले अपना काम कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। मैंने वहां के अधिकारी को हाथ जोड़ के कहा कि भाई देखिए, बहुत गलत कार्य है, ये सब काम आपको करना है तो सोमवार को सूचना दे के आइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप न कीजिए, लेकिन कम से कम आदमी अपना सामान सहेज तो ले। ये बात उन्होंने समझी और वहां से उस काम को बंद कर दिया और वापस चले गए। लेकिन जिसका नुकसान हो गया उसका क्या होगा? खाए बिना मर रहा है व्यापारी इस समय, कैसे अपनी सैलरी स्टाफों को देता है, कैसे चला रहा है, इस पे कोई नहीं सोच रहा है। अरे सरकार कहीं ना कहीं सहयोग करे, परेशान न करे व्यापारियों को। ये मेरा ऊपर के बड़े नेताओं से निवेदन है कि इस बात पे ध्यान दें, व्यापारियों को सहयोग की जरूरत है और ये सब असहयोग में आता है। इस समय आप कड़ाई कीजिए, लेकिन उतनी कीजिए कि आदमी की कमर न टूट जाए। एक तरफ गरीबी से सुसाइड कर रहे हैं लोग, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन क्या है? सरकार ऐसे करेगी तो कहां देश फिर से खड़ा हो पाएगा? इस बात पे ध्यान दें, बहुत ही गलत कार्य किया नगर निगम वालों ने, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।